अलीफ जरा, ओ अलीफ जरा उठ जा भाई, सुबह हो गई है। अच्छा राशा 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 राशा, ये जनाब अभी उठ गया है। पानी है नहीं है यार, क्या है, कैसे ऑन होता है ये चीज, पानी भी नहीं है। चलो अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं अपने हॉस्टल के छत पे खड़ा हूँ। शाम का वक्त है, शाम की अज़ानें हो रही है और इर्द गिर्द जो इलाका है, जो व्यू है, उसमें इतना गिर्द व गुबार है इस टाइम, इंतहाई ज़्यादा जो है उसमें डस्ट है। मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको मतलब सामने कुछ नज़र भी नहीं आएगा, इतना ज़्यादा गिर्द व गुबार है। और ये सब ना बस क्या कह सकते हैं, आबादी की वजह ही कह सकते हैं, अल्लाह हम पर रहम कर। देख ले भाई, ये हमारा छत है, यहाँ पे ये जो मिट्टी वगैरह पड़ी है इसमें अभी काम हो रहा है, ठीक है। और ये ना ये देख ले, मुकम्मल तौर पर इतनी ज़्यादा गर्द व गुबार है, ये देख ले। और ऐसे अगर हम इस साइड पे आते तो ये इतना ज़्यादा जो है ना सब वो डस्ट है, मुकम्मल तौर पर इंतहाई ज़्यादा डस्ट है। व्लॉग जो है ख़ास तौर पर हॉस्टल के हवाले से, तो इस व्लॉग में मैं आपको अपना हॉस्टल दिखाऊंगा, साथ में ये भी बताऊंगा कि हॉस्टल में हम लोग ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं। ये जो व्लॉग है ये ख़ास तौर पर हॉस्टल वाला व्लॉग होगा। तो अब मैं छत से नीचे जाके आपको अपना हॉस्टल दिखा देता हूँ। ये जो सीढ़ियाँ हैं ना, यहाँ पे अच्छी तरह से पानी बह चुका है, ऊपर यहाँ पे जो है वो टेंकी है तो उससे पानी आ चुकी थी नीचे। अब मैं नीचे जाता हूँ तो यहाँ ये हमारे हॉस्टल का मेन गेट है और यहाँ पे नीचे ये जो सीढ़ियाँ है, यहाँ से नीचे उतरेंगे तो वहाँ पर फिर बाहर की तरफ का जो गेट है वो है, ठीक है। किचन है यहाँ पे, अभी इसमें भी काम जारी है। और ये हमारा रूम है जो कि अभी इस पर ताला लगा हुआ है। दी फर्स्ट लेसन ऑफ द हॉस्टल ये है कि सुबह सवेरे अगर कोई मसला हो तो सबसे पहले मुझे उठना पड़ेगा और वो मसला हल करना पड़ेगा। तो इन सब ने मुझे ही उठाया है और अभी मैं पानी का इंतज़ाम कर रहा हूँ। और अभी जो है ना मैंने मुँह हाथ भी नहीं धोया और पानी तो खैर हो चुका है इंतज़ाम। और सात के ऊपर बज रहे हैं अभी और कराची में पहली बार मैं इतनी गहरी बादल देख रहा हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख ले। सेकंड लेसन ऑफ द हॉस्टल, नंबर थ्री, खाना अपने लिए खुद पकाना होगा। क्या करना होगा? खुद पकाना होगा। क्या पका रहे हो भाई? मुर्गी है, मुगरी, मुगरी, मुगरी है, मुगरी है, मुगरी। पीछे तो देखो मुगरी है, आगे देखो, आगे ये आगे है ना, आगे पीछे भी एक मुगरी है। ये चीजें उन्होंने काट दी है खाने के लिए। और ये हमारा किचन है हॉस्टल का। यहाँ पे ये जो है वकार और जाकिर अभी चिकन जो है वो पका रहे, मुगरी पका रहे, मुगरी, मुगरी। ये क्या कर रहे हो यार, ऐसा तो चिकन मैंने कभी नहीं देखा है। जायके से पता चले, ठीक है, गैस आ रहा है ना।
तो तबाही हुआ गला ला चुमा ट्रैवल ने देखा ना कभी कभी हॉस्टल में ऐसी आवाजें भी सुनने को मिलती है। हाँ सदीक, क्या ख्याल है? सही है ना? ये टिकटॉकर साहब बैठा है यहाँ पे, हर टाइम टिकटॉक पे होता है, अभी भी टिकटॉक पे है। तुम क्या कर रहे हो यार, कोई स्टडी वगैरह की परवाह नहीं है? फिर से आवाज। इट्स अ गोइंग टू ज़ोन गेट। क्या कहाँ जा रहे हैं यार? अभी तो ज़ोन गेट जा रहे हैं। अच्छा ज़ोन गेट, ज़ोन यार जैसे कुमार हो पास में। अच्छा सारे हॉस्टल के बंदे। हाँ ये सारे ओ भाई, कुछ सारे आगे जा रहे हैं, एक सारा है और एक सारा पीछे आ रहा है। बस आउटिंग के लिए जा रहे हैं, आउटिंग के लिए जा रहे हैं। जगह कैसी लगी भाई? यार बहुत अच्छा है, खूबसूरत है, बहुत। पहली बार कराची में कोई अच्छा है, अच्छी जगह देखने को मिली है, ये अच्छी जगह है। ओ आप कुछ कहना चाहेंगे? यार ये जोन जगह है ना, बहुत अच्छी लगी है। अच्छा। पिक्चर भी खींच ली और जो पार्क है इसके अंदर वो बहुत अच्छी है। अच्छा तस्वीर खींचने में लगे हुए हैं। ये फोटोग्राफर है, काय का फोटोग्राफर है, पता नहीं एक ही बस तरीका सीख लिया है। और ये जो है ना इसका मॉडल है। कोई अच्छा सा पोज करके दिखाओ यार। ओ भाई ओए